बच्चों, अब हम लोग दो बैलों की कथा में आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखो, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, उनकी हड्डियाँ अब निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आ कर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? यानी एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 लोग आदमी इकट्ठे हुए, क्योंकि उन दोनों बैलों को अब नीलाम करना था। लेकिन लोग देखते और उनकी सूरत, यानी वह दुबले हो गए थे, बहुतों दिन से खाए नहीं थे, दुबले हो गए थे, तो ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता? सब लोग देखकर चले जाते थे। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में अंगुली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें संदेह न हुआ। दोनों उस एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, यानी एक दूसरे को डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। यानी हीरा फिर मोती से कहा कि हम लोग बेवजह गया के घर से भागे, अब जान न बचेगी। यानी दोनों मित्र समझ गए कि यह दढ़ियल जो है वह कसाई है और उनके मांस का वजन वह क्या कर रहा है, मांस देख रहा है कि इनके शरीर में कितने मांस बचे हैं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। यानी मोती ने भगवान को याद किया कि कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं लेकिन हमारे ऊपर उनको दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती ने कहा हीरा से कि यह आदमी जो है हम लोगों के गर्दन पर छुरी चलाएगा, तो क्या चिंता है, मांस काल खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। नीलामी हो गई और दोनों मित्रों को वह कसाई जो था अपने साथ ले चला। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, हीरा और मोती कांप रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यानी भय के साथ उसके साथ जा रहे थे, अगर थोड़ा भी धीरा चलते थे तो वह एक डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेहड़ एक झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। हीरा और मोती आपस में इन पशुओं के झुंड को देखकर कह रहे हैं कि कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई वधिक अर्थात कसाई के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। दोनों सहसा अचानक दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था।
वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल, हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलताएं गायब हो गईं। आह, यह लो अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी धीरे धीरे झूरी का गांव आना शुरू हुआ, और वहाँ कुआं भी, जहाँ झूरी इनको पूर चराने के लिए कुएं पर ले जाता था उस कुएं तक पहुँच गए, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा यह नगीज आ गया, हमारा घर नगीज अर्थात नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा बोला कि अब मैं घर भागता हूँ तो मोती भागता हूँ तो हीरा बोला कि यह जाने देगा तो मोती ने कहा कि मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, जहाँ दोनों बांधे जाते थे। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। झूरी जो इन हीरा और मोती के जो मालिक था, वह झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी काजी हाउस से जो पशुओं का जेल था वहाँ से यह कसाई क्या किया था, नीलाम लिया था। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी ने कहा कि मैं तो यह समझ रहा हूँ कि तुम नीलाम नहीं, तुम चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, झूरी ने दढ़ियल से कहा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। वो जो कसाई था, वह झल्ला कर जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। मोती ने कहा हीरा से, अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, मैं जाऊंगा नहीं। मोती ने कहा कि देखता हूं कैसे ले जाता है, अगर वह गोली मरवा दे तो मर जाएंगे, लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा, हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता है। मोती ने कहा कि हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया, और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह यानी खुशी का माहौल मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।
पाठ अब समाप्त हो गया है, कल आपको प्रश्न उत्तर लिखाया जाएगा।